तो मेरा भाई सूरज झांझरा के पार्क में घूमते हुए, दो तीन दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही थी इधर। बोलो क्या बोलना चाहते हैं? अरे यार क्या बोले, कोई पंप ऑपरेटर वाला आकर के कोई पंप खोल करके भाग गया। ओके, और ये मिस्टर बुआ मछली पकड़ने के लिए आया, बुआ मछली चुनने के लिए आया हुआ है यहाँ पे। और नाव नाव तो फोटो नाव पोखर से बाहर आ चुका है। कब हो रहा बुआ, पगला है कि? वाह बहुत अच्छा डांस करते हुए यहाँ पे सुजन कुमार। तो ये रहा झांझरा कॉलोनी का पार्क, फ्री में आप आके इसे एंजॉय कर सकते हैं। कपल के साथ आना है चाहे जिसके साथ भी आना है। आप क्या बोल रहे हैं सर, हमारा रास्ता विकास हुआ है। माफ कीजिएगा दर्शकों, ये पागल हो गया कैमरा मैन चाना फोटो खींचते हुए। और इस पार्क में बच्चों का खेलने का भी व्यवस्था किया गया है, स्लाइडर के साथ यहाँ पे झूला भी लगाया गया है। बच्चे यहाँ पे एंजॉय करते हुए, और ये झूला यहाँ की खासियत ये है कि ये बिल्कुल फ्री, आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आके एंजॉय कर सकते हैं। आप कपल हो चाहे पेरेंट्स के साथ आना, चाहे दोस्त के साथ, फैमिली के साथ, यहाँ पे आप ट्रैक भी कर सकते हैं कपल के साथ। इस पार्क के अंदर छठ पूजा भी होता है, अगर आप लोग नवंबर के टाइम आइएगा जब छठ पूजा का टाइम होता है, तो यहाँ पे आपको छठ पूजा करते हुए छठ व्रती दिखाई देगी। साथ ही साथ इस पार्क के बगल में एक छोटा सा स्टेडियम है, जहाँ पे छोटा सा स्टेडियम नहीं बोल सकते, बड़ा स्टेडियम है, यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट, फुटबॉल टूर्नामेंट वगैरह होते ही रहते हैं अमूमन। और अगर आप पार्क के उस साइड जाइएगा तो आपको एक छोटा सा जिम भी दिखेगा। फिलहाल अभी बोटिंग बंद कर दिया गया क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है, पानी इतना ज़्यादा है कि पानी बाहर आ चुका था, जिस कारण से बोटिंग बंद है, वरना आपको यहाँ पे बोटिंग करते हुए भी दिखाई दिए जाएंगे। पार्क का जो एम्बियंट है काफ़ी सुंदर है, अगर एग्जिट और इंटर की बात करें तो एंट्री की बात करें तो काफ़ी तगड़ा है, इतना सुंदर आपको प्लेस मिलेगा। अगर रोड भी देखेंगे पार्क के अंदर, जो ट्रेकिंग रोड है काफ़ी साफ़ सुथरा है। उसके साथ साथ पार्क में आपको बहुत तरह के पौधे और पेड़ भी दिखाई देंगे। अगर इस पार्क में आपको आना है तो आपको झांझरा कॉलोनी के नवीनपल्ली सेक्टर 2 के अंदर ये पार्क बनाया गया है। सामने एक बहुत बड़ी सी टंकी है, वो अभी आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका है। बाकी पार्क में तो आप लाइट देख सकते हैं, बहुत तगड़ा लाइट है। पार्क के बाहर चलते हैं, चलिए, क्योंकि टाइम हो चुका है 8 बाहर जाना, शाम 7:30 बजे ये पार्क बंद ही हो जाता है। अभी भी कुछ लोग आ रहे हैं, बार जा रहे हैं। वेलकम टू बिलूज ब्लॉक। और ये रहा पार्क का एग्जिट। थैंक यू अगेन। हाँ ये बता दिया ना साइड से। हाँ पार्क के बाहर निकलते हैं, यहाँ पे बहुत सारा रेस्टोरेंट है। ये गार्ड हमारे बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं, बैठे रहिए आराम से। पार्क के बाहर आपको गुपचुप ठेला, अभी तो पानी बहुत पड़ रहा, कुछ मिलेगा नहीं खाने को, पर आपको मोमोज जरूर मिल जाएगा यहाँ पे। साथ ही साथ सामने एक सुंदर सा भीमराव अम्बेडकर का, रविन्द्रनाथ टैगोर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी मूर्ति है। और ये रहा सुबह हाथ हिलाते हुए, रोशन यहाँ मोमोज खा रहे हैं।